Hey guys, welcome back to my channel. I hope so you all are doing great and so am I. It's almost end of January and we all know that a lot of schools are having their farewells around the corner. तो उन सभी फेयरवेल के लिए जो मैंने आपसे पूछा था ऑन माई इंस्टाग्राम दैट वॉट काइंड ऑफ मेकअप लुक यू वॉन्ट समथिंग बजट फ्रेंडली और यू वॉन्ट समथिंग फैंसी, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था दैट यू वॉन्ट बजट फ्रेंडली मेकअप लुक एंड देयर फॉर टुडे आई एम हियर विद अ बजट फ्रेंडली मेकअप लुक फॉर योर फेयरवेल और फॉर योर प्रॉम और वट एवर थिंग्स आर देयर इनसाइड योर स्कूल और कॉलेज कैंपस द लास्ट फेयरवेल पार्टीज फॉर दैट बजट लुक. इस बजट लुक में मैंने ऑलमोस्ट बिकॉज सिंस यू आर इन स्कूल एंड यू आर डेफिनेटली यू आर नॉट बी यूजिंग अ लॉट ऑफ मेकअप टुगेदर एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉट आई हैव सेलेक्टेड आर लाइक फोर और फाइव आइटम्स विच यू नीड फॉर योर सेल्फ. यू डोंट नीड ऑल दोज फैंसी प्रोडक्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी रॉकिंग मेकअप लुक फॉर योर सेल्फ फॉर योर दैट स्पेशल डे दैट इज योर फेवरेट. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द बजट फ्रेंडली मेकअप लुक. बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब अप टिल नाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आपके इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज ऑन माई चैनल पेज टू. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ यूजुअली व्हेन यू स्टार्ट विद समथिंग ऑन योर फेस तो आपको उसको नरिश करना पड़ता है. यू हैव टू यूज अ गुड प्राइमर, गुड टोनर लाइक दैट. सो सिंस दिस इज बजट फ्रेंडली, यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सो विल नॉट बी यूजिंग एनीथिंग जो आपके पास नहीं है. जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास है हम उससे ही मेकअप लुक क्रिएट करेंगे. दैट वॉज वॉट जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है. सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज अ गुड नरिशिंग क्रीम ऑन योर फेस विच आई हैव यूज जस्ट नाउ. द ओनली थिंग आई एम वेयरिंग जस्ट नाउ ऑन माई फेस इज अ गुड नरिशिंग क्रीम. So use that on your face. I've used Himalaya Nourishing Cream. This will cost you around 70 rupees. तो ये क्रीम सिर्फ 70 rupees का है जो मैंने अपने फेस के ऊपर लगाया है. इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा नरिशिंग क्रीम यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए सो यूज़ दैट ऑन योर फेस. सून आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ अ गुड टोनर. नाउ दिस टोनर इज़ माई हैंडमेड टोनर फ्रॉम माई हाउस. तो मैंने इसे कैसे बनाया है, मैंने एक रोज़ लिया है पिंक कलर का और उसे हॉट वाटर मतलब बॉइलिंग वाटर में एक रोज़ डाला है और फिर जैसे ही वो कूल डाउन हो गया था उसको मैंने इस बॉटल में फिलअप कर लिया है. सो दिस इज़ माई होम मेड डी आई वाई रोज़ वाटर. सो फॉर टोनर आई विल बी यूजिंग दिस ऑन माई फेस. यूजअली वी यूज़ फैंसी टोनर्स अगेन सिंस इट इज़ बजट फ्रेंडली सो विल बी यूजिंग दिस होम मेड डी आई वाई फेस टोनर. I will let it dry on my settle on my face by the time it works. तब तक हम देखते हैं कि हम बेस में क्या यूज़ करने वाले हैं. सो फॉर माई प्राइमर I'll be using a lip balm. This is again from Himalaya. Now you might be wondering कि हम lip balm का as a primer कैसे use कर सकते हैं. So what we'll use it, how we'll use it is कि हम थोड़ा सा इसे लेंगे, हम इसे अपने lips के ऊपर सबसे पहले मॉइस्चराइज करने के लगाएंगे सो दैट इट डजेंट फॉल अपार्ट थिंग्स. ये अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा. तो जब तक हम लिपस्टिक यूज़ करेंगे, लिपस्टिक को हम थ्री वेज में यूज़ करेंगे, हम लिप बाम को थ्री वेज में यूज़ करेंगे एज अ प्राइमर फॉर आईज. सो नाउ आई एम पुटिंग लिटिल बिट ऑफ इट ऑन माई आईज टू फॉर माई आई मेकअप. वाई आई एम डूइंग दैट बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और ये काफ़ी देर तक स्टे भी करना चाहिए हमारे फेस के ऊपर, राइट. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ रियली गुड हैक वे यू कैन यूज़ अ लिप बाम एज योर फेस प्राइमर. आई हैव यूज्ड इट इन टू प्लेसेस. वन टू मॉइस्चराइज माई लिप, सेकेंड टू मॉइस्चराइज माई अपर लिप एज माई फेस प्राइमर एंड द थर्ड प्लेस वे आई विल बी यूजिंग इट इज़ एट लास्ट. सो नाउ जस्ट लेट्स स्टार्ट विथ आर. ये पूरा सेटल हो गया आपके फेस के ऊपर तो ये आपको इवन स्किन टोन देगा. आपने मॉइस्चराइज किया, आपने ये यूज़ किया है टोनर, ये आपको इवन स्किन टोन देगा. एंड नाउ आई विल बी यूजिंग लैक्मे 9 to 5 cc कॉम्प्लेक्शन क्रीम. आई एम नॉट यूजिंग एनी फैंसी फाउंडेशन और समथिंग लाइक दिस अगेन, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस cc क्रीम इज़ कि ये थोड़ी सी ज़्यादा
यू कैन यूज़ ऑलमोस्ट दिस मच ऑफ इट. ये थोड़ा सा ज़्यादा बेस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सी सी क्रीम्स. सो जो लैक्मे का ये थोड़ा सा डार्क होता है, एंड सिंस वी वॉन्टेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस तरीके का कुछ यूज़ कर सकते हैं जो अपने आप में एक फाउंडेशन बेस जैसा प्रोवाइड करता हो. और ये इसका प्राइस है, जो मेरे पास है उसका प्राइस है, ओके आई कैन सी दैट प्राइस जस्ट नाउ. Why is that even? How is that even possible? Okay, I'll tell you its price. Okay, this is for 315. मतलब 500 रुपीस के अंदर ही है ये. So 315 रुपीस का है ये. जो अगेन यू पीपल कैन यूज इट ऑन योर फेस. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू पुट योर मेकअप बेस. अगर आप रेगुलर कॉलेज डेज में भी या रेगुलर, obviously not on your school, but अगर आप regular college days में भी इसे try करना चाहते तो आप try कर सकते हैं. Don't forget to put it on your neck. Agar and dab it. Now, if you don't have a sponge, again for that you can use your hands or fingers. Apart from that, you can also use a cotton ball. तो आप cotton ball की भी help से ऐसे डैब करके इसको फुल फेस कवरेज कर सकते हैं अपना. डोंट फॉरगेट अंडर योर आईज. एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर्स, मे बी योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड फॉर दैट डेफिनेटली यू विल, आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी सारे डार्क सर्कल्स तो आ ही गए होंगे. नाउ मैंने आँख के ऊपर जो प्राइमर यूज़ किया था उसमें मैंने अभी कुछ भी बेस नहीं लगा रही हूँ मैं. The reason is that I will be putting up my okay, I'm done, and with the help of a brush I will evenly spread it. क्योंकि हमने टोनर का भी यूज़ किया था, that is the rose water. आपका जो फेस में, आई एम प्रिटी श्योर कि आपका जो बेस हमने लगाई है बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा कहीं पे भी. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, लेट इट सेटल फॉर लाइक 5-10 मिनट्स. दैट विल नॉट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपका फेस वाइट नहीं दिखने वाला है, नथिंग विल हैपन. लेट इट सेटल फॉर सम टाइम. बाय द टाइमिंग आई विल सिक्योर माय हेयर्स, व्हिच आई ऑलवेज ऑलवेज फॉरगेट टू डू इट. आई विल सिक्योर इट दिस वे ताकि बाल में कुछ क्रीस ना आए. And that's done. Now I am using a loose powder. Loose powder हम क्यों use करते हैं? With the help of that, हमने जो भी ये base लगाई है पूरा secure हो जाए उसके base के ऊपर, okay? तो जो भी loose powder आपको use करना, आप use कर सकते हैं brand का. एक loose powder तो ज़रूरी है आपको, तो आप try कीजिए जो budget friendly, जो भी आपके पास है आप उसे use करें. So that is what we are done with. And you can see कि अभी ही फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो और शाइनी कर रहा है. ये चीज़ होगी. Now the next thing which I'll be using is a lipstick. And the color you can see थोड़ा सा पिंक टाइप का शेड है इसका. Now I will be using one lipstick for three things together. और जैसे हम लिप बाम का तीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम लिपस्टिक का भी थ्री प्लेसेस पे एक साथ यूज़ करेंगे. फर्स्ट फॉर योर आईब्रो, फॉर योर आईज. नाउ आई विल बी यूजिंग दिस लिक्विड लिपस्टिक एज माय आई शेडो, एंड आल्सो आई विल बी यूजिंग द ब्लश न्यूड्स मेबलाइन दिस पैलेट. ये भी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली, अगेन बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे ये आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर आई शेडो पैलेट्स. तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगर ये नहीं है आपके पास तो सिर्फ एक लिप्स शेड से भी आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं. द लिप शेड आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम ओरिफ्लेम, एंड द शेड इज़ वॉलेट वाइब 30371. I hope so that works for you. Now how you have to use it is just close your eyes and just use it as the base. Exactly like this on half of your eyes. Then you will see that ये हल्का सा सा पिंक सा आपको ग्लॉसी शेड देगा. नाउ दिस लिपस्टिक इज लिटिल बट ग्लॉसी, सो देयरफॉर आई डोंट हैव टू यूज समथिंग एल्स फॉर इट. एंड सी हाउ ब्यूटिफुली परफेक्ट इट्स कमिंग.
आप अगर ब्राउन आपने ड्रेस कुछ पहना है जिसमें ब्राउन लिप शेड की ज़रूरत है, तो सेम मेकअप लुक आप ब्राउन लिप शेड से यूज़ करेंगे. सो यू विल बी यूजिंग अ ब्राउन वन इन प्लेस ऑफ दिस. आई होप सो कि जो भी मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी एक एक चीज़ से आप किस तरीके से उसे मल्टीपल यूज़ में यूज़ ला सकते हैं, काइंड ऑफ DIYs आपको बता रही है. आई होप सो कि आप उसे काफ़ी अच्छे से यूज़ करें. नाउ सिंस आई हैव यूज्ड इट, अभी मैं इसे सिक्योर करने वाली हूँ थोड़े से आई शेडो के साथ. अगर आपके पास ये आई शेडो नहीं है तो आप इसके ऊपर अपना जो लूज़ पाउडर हमने जो अपने फेस के ऊपर लगाया था, आप हल्का सा वो लूज़ पाउडर एक आँख के ऊपर डैब कर दीजिएगा. अगर आप वो डैब करेंगे तो जो आई शेडो जैसा आपने जो लगाया है वो बिल्कुल भी कहीं स्मज नहीं होगा, वो कहीं जाएगा नहीं. एंड सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ कम अबव योर आईज. अभी मैं इसके लिए यूज़ करूँगी ये पिंक कलर का शेड फ्रॉम Maybelline Fit Me. आई एम यूजिंग इट एंड व्हाई आई एम यूजिंग इट इज़ जस्ट इन ऑर्डर टू सिक्योर लिटिल बिट ऑफ दिस पिंक स्टफ on both of my eyes. Same thing you can do. Maybe I'll make a video again जहाँ पर मैं makeup revolution का makeup palette के साथ भी आपको बता सकती हूँ, but that will be little maybe with another palette, but so that one I can teach you with some another palette. But now next what I'll be using this is a kind of blush on my you can see it has came out really beautiful. Now let's just use our kajal. I'm using Stay Quirky kajal. This will cost you around 125 rupees, that's all. So you have to use this kajal again in two ways, one as your eyeliner and one as your kajal. Now let me start by using it as an eyeliner. मैं अपने आँख को काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको eyeliner लगाने में बहुत ज़्यादा problem होती है, then you just have to close your eyes, थोड़ा सा इसे stretch करें and then start. Start putting it up and see how beautifully it has came out. So इतना easy होता है इसे लगाना with the help of this Stay Quirky kajal. ये smudge free होता है तो again it is really nice for us, helpful for us, and therefore I am using it. So again the eyes are looking bold and beautiful. And since मैंने base में pink already use किया है तो ये बिल्कुल भी मुझे problematic नहीं है. मैं थोड़ा सा और इसे वापस से हल्के से लूज पाउडर के साथ सिक्योर करूँगी ताकि ये स्मज ना हो. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू सी द लुक एंड इट इज रियली लवली, इट इज़ रियली लवली, बिलीव मी. सो दैट्स डन. आई टेक दिस लिपस्टिक अगेन एंड नाउ आई हैव टू यूज दिस लिपस्टिक ऑन माई चीक्स. सो जस्ट प्लेस इट रैंडमली, ओके, एंड इन द सेम वे यू हैव टू प्लेस इट this side and really little bit of it. अगर ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसे थोड़ा सा वाइप आउट कर देंगे. ओके, लेट मी टेक इट इन माई हैंड्स एंड देन डैब इट एंड पुट इट ऑन माई चीक्स. दैट इज हाउ यू एक्चुअली पुट योर ऑन योर बोन्स. सो यू कैन सी हाउ इट्स एग्जैक्टली गिविंग द टेक्सचर ऑफ and the same way this side on your cheeks. So again it is. So now we have used our lipstick as an eyeshadow, as a rose powder, and now I'll be using my lipstick as a lipstick. So this is how you use a same product in three ways. Now you can see all three ways it has came out really beautiful, pink, pink and pink. अगर आपको लग रहा है कि आपका आई शेडो और भी ज़्यादा आपको डार्क करना है, then you can again dab little bit of it like that. Okay. So now I have used it and now जो मैं थर्ड चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, that is my lip balm. Now why I am using this lip balm again is ये एक नेचुरल हाइलाइटर होता है. नाउ यू डोंट हैव टू बाय अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर योर
जहाँ जहाँ ये लाइट पड़ रही है वहाँ आपको हाइलाइटर लगाना है। अगर आपको नहीं पता कि हाइलाइटर को एक्चुअली कैसे कैसे लगाया जाता है, आप धूप में जाके खड़े होइए, और जब आप धूप में जाके खड़े होंगे तब आप एक ग्लास में कोशिश करिए देखने, मिरर में कोशिश करिए ये चीज़ देखने का कि आपके फेस के कौन से एंगल पे लाइट काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड एग्जैक्टली दोज आर द प्लेसेस वे यू हैव टू यूज़ योर हाईलाइटर। इससे एक नेचुरल ग्लो आता है फेस के ऊपर। सी यू कैन सी अ काइंड ऑफ नेचुरल ग्लो हैज़ कम ऑन माई फेस एंड देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ इट आपका फेस अपने आप ग्लो करेगा। आई यूज़ द सेम ऑन माई नोज एंड यू कैन अगेन सी कि ये काफ़ी अच्छे से शाइन कर रहा है। सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ नेचुरल शाइन, नेचुरल ग्लो ऑन योर फेस एंड दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट people to love about your face. That's all we are done for the day. I hope so you liked my today's video. Agar aapko ye makeup look pasand aaya ho, which I've created with two items actually, lip balm which I used in three ways and the eye lipstick which I've used in three ways. This lipstick is again around 300. This lip balm was of 28 rupees. The cream which I used was of 70 rupees. The base which I used was of 315 rupees. So everything was really, now the powder which I have used was a little costly. The pressed powder was little costly, but you can use any pressed powder which is less than that. Apart from this, we have used Take Quirky Kajal and eyeliner, which is again of just 125 rupees. So, आपको अलग से eyeliner purchase करने का ज़रूरत नहीं है. You can use your Kajal only as a good eyeliner. That's all. Okay guys, so with just less than so many products, हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ भी use नहीं किया, still my face is shiny and glowy because मैंने gloss की जगह use किया है lip balm. आप भी इस तरीके से DIY चीज़ें use करके अपने face को आप for farewell, for college और for such kind of events you can prepare it. प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप क्या मेरे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं, और ये जितने भी DIYs जो मैंने आपको इसमें बताए हैं, इधर फॉर मेकिंग योर ओन टोनर एज अ रोज वाटर और द अदर स्टफ, आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव लाइक्ड इट. दैट्स ऑल फॉर नाउ. इट्स मी प्राची साइनिंग ऑफ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. It's all for now. Bye bye and wish you all the best for your farewell and for your proms and all these kind of parties which you are going to attend in February. Bye bye.